हेलो एंड वेलकम टू पत्की हॉस्पिटल कोल्हापुर। हम प्रेगनेंसी में बढ़े हुए बीपी यानी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के बारे में जान रहे हैं। अगर फिफ्थ मंथ के बाद आपका बीपी 140/90 से ज़्यादा है तो उसे PIH यानी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं। ऐसे पेशेंट्स को क्या क्या सावधानी बरतनी है, आइए आज जानते हैं। आपको डॉक्टर ने जो बीपी के लिए दवा दी है उसे बताए हुए डोज में आपको लेना है। अगर दिन में 3 बार कहा है तो 3 बार ही लेना है। आपको घर के पास बीपी रेगुलरली मॉनिटर करना है। आपके केस के मुताबिक हर रोज़ या दिन में 2 बार या हफ्ते में 2 बार ऐसे आपको बीपी मॉनिटरिंग के लिए कहा जाएगा। आप घर बैठे भी इलेक्ट्रॉनिक बीपी अपैरेटस के मदद से बीपी मॉनिटर कर सकते हैं। बीपी मॉनिटरिंग के दौरान अगर बीपी नॉर्मल पाया जाए तो भी आपको दी गई दवा शुरू रखनी है, उसे अपने मन से बंद नहीं करना है। आपको जब जब ब्लड टेस्ट बताए जाएंगे, यूरिन टेस्ट बताए जाएंगे, आपको रेगुलरली इंटरवल्स पे जब भी बताया है आपको ये टेस्ट करने हैं। अब ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिसमें आपको फौरन हॉस्पिटल में जाना चाहिए, आइए वो देखते हैं। बीपी मॉनिटरिंग के दौरान अगर आपको पता चले कि आपका बीपी 140 से ज़्यादा है तो आपको फौरन हॉस्पिटल में जाना चाहिए। अगर आपने ब्लड रिपोर्ट्स किए हैं और वो रिपोर्ट्स में कुछ प्रॉब्लम है, या अगर आपको हॉस्पिटल से कॉल आती है कि आपके रिपोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम है, तो फौरन बगैर देर किए आपको हॉस्पिटल पहुँचना है। अगर आपको हाथों पैरों में सूजन अचानक से बढ़ गई हो, यानी सूजन तो पहले से थी लेकिन पिछले 24 घंटों में ये अचानक बढ़ गई है, जूते नहीं बैठ रहे हैं, बैंगल्स टाइट हो रहे हैं, घड़ी टाइट हो रही है, अगर ऐसा महसूस हो तो फौरन हॉस्पिटल में जाना चाहिए। प्रेगनेंसी में आमतौर पे स्पेशली 7th, 8th, 9th मंथ में नींद कम हो जाती है, लेकिन अगर आप बीपी पेशेंट हैं और लगातार 2-3 रातों से नींद नहीं आ रही है रात में, तो आपको फौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए। अगर आपको ब्लरी विजन है यानी ठीक से आंखों में दिखाई नहीं दे रहा है तो भी फौरन हॉस्पिटल में आना चाहिए। अगर आपको परसिस्टेंट हेडेक है तो फौरन हॉस्पिटल में आना चाहिए। और अगर आपको एपिगैस्ट्रिक पेन है यानी पेट के ऊपरी हिस्से में बार बार दर्द हो रहा है तो भी फौरन आपको हॉस्पिटल में आना चाहिए। इस सिलसिले में अगर आपके मन में कोई डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू।